Hey guys, once again good morning and welcome back to my another blog। और अभी कॉलेज जा रहे हैं, आज थोड़ा पहले निकल गए क्योंकि कुछ कुछ काम है जिसको कंप्लीट करने के बाद ही कॉलेज जाएंगे, तो टाइम लग जाता है क्योंकि सेकेंड हाफ में क्लास है और पहले हाफ में सारा काम कंप्लीट करना है। तो अब कॉलेज की ओर, छठ के बाद जो कॉलेज खुला है, देखते हैं पहला क्लास कैसा रहता है। वैसे आज तो दो ही क्लास है और जल्दी छुट्टी हो जाए और यहाँ से लेते हैं लेफ्ट। चलो, और वाइजर बंद कर लेते हैं ताकि हवा ना घुसे और माइक में अच्छा रिकॉर्ड हो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो सब में, मतलब पिछला वीडियो में जो भी अपलोड किए उसमें थोड़ा से बैकग्राउंड नॉइज काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी कुछ प्रिंट आउट निकाल देना है, तो पहले मैंने प्रिंट आउट कैफे वाला को सेंड कर दिया है और वहाँ जाके खाली बोलना है बस निकाल दीजिए, तुरंत निकालना है फिर, क्योंकि लेट नहीं करना है, थोड़ा उसे भी लेट से निकल रहे हैं, थोड़ा जल्दी निकलना था क्योंकि अब ट्रैफिक भी जल्दी ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि छुट्टी हो जाता है अभी, तो ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा। कोई नहीं, ऑल कैन बी मैनेज। ये कौन सा बस है, काफ़ी दिनों बाद ये बस दिख रहा है, बिहार सरकार सरकारी बस है गाइस। कोई नहीं, उनको कॉलेज जाना है और थोड़ा कॉलेज जाने के बाद तो गाइस तो काफ़ी अच्छा लगता है, टाइम मिल जाता है निकलने के लिए थोड़ा घर से बाहर अच्छे माहौल पे और फ्रेंडों से काफ़ी मुलाकात हो जाता है, बातें साफ हो जाते हैं, मस्ती हो जाती है। घर में क्या बात करेंगे, फोन में ही गाय कर सकते हैं। बाहर निकलने, बाहर का नज़ारा काफ़ी अच्छा होता है। और ये क्लास भी ज़्यादा दिन, शायद 20 तक ये क्लास चलेगा, उसके बाद 20 के बाद छुट्टी हो जाएगा, शायद स्टडी लीव दे देगा क्योंकि नेक्स्ट मंथ पता है कि एग्ज़ाम है, और हो भी सकता है दिसंबर में या फिर जनवरी में शिफ्ट हो जाएगा एग्ज़ाम, वो डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर। चलो चलो चलो, एक इधर से एक मैं इधर से। तो गाइस यहाँ का जूता पहले बार बताए थे, टिकता नहीं है बस, 100 के लिए बस हाँ है, बाकी क्वालिटी एकदम रफ रहता है मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरे में तो टिकता नहीं है क्योंकि सस्ता जूता खरीदने से पछता चुके हैं, तो महंगा ही लो तो एक ही बार लो। ऑटो वाला भी यार अचानक ब्रेक मारता है, पता भी नहीं चलता है। पता नहीं गाइस आज ब्लॉग में बोल नहीं पा रहे हैं, शांति रहना ज़्यादा हमको पसंद है इसलिए ज़्यादा कुछ बोलते नहीं है माइक में, और फिर भी कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ बोले क्योंकि म्यूट रहने से कुछ फ़ायदा नहीं है। ये देखो इधर से गाड़ी जाए, अब इधर से ओवरटेक करना पड़ेगा। यार ऐसा ना करो यार, एक्सपर्ट राइडर नहीं है, थोड़ा कच्चा है राइड करने में। ओ ये लो ब्रेकर। ओ यार गाइस, गाड़ी में ब्रेक लगता नहीं है क्योंकि आरपीएम बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है गाड़ी का, उसको कम करना है तभी ब्रेक लगेगा, न तो गाड़ी ब्रेक मारते हैं तो इंजन में काफ़ी पावर रखता है, रुकता भी नहीं है जल्दी गाड़ी। ओ देख सकते हैं गाड़ी काफ़ी, गाड़ी जोर दे रहा है कि आगे बढ़ो, ब्रेक कुछ काम करनी है, बट फिर भी लग रहा है ब्रेक,
काफ़ी है। रामी से चलते हैं, पहुंच गए हैं कोकर। बस यहाँ पे जाम ना लगे बस, क्योंकि ये रोड काफ़ी बिजी रहता है। यहाँ 2 मिनट का रास्ता, 15 मिनट लग जाता है गाइस। और यहाँ से लेना है राइट टर्न, फिर कैफे से प्रिंट आउट ले लेना है। भेज तो दिए हैं, दुकान में है कि नहीं देखना पड़ेगा, होगा तो अच्छा है, निकल जाएगा जल्दी। तो गाइस जो दुकान है, कौन सा कॉलेज है, नाम याद नहीं आ रहा है, नाम राम लखन कॉलेज है, याद आ गया। तो राम लखन कॉलेज के जस्ट अपोजिट वहीं पे कैफे। तो चलाते चलाते पता ही नहीं चलता है कैफे कब पार हो जाता है, तो आराम ही से जाते हैं क्योंकि दिख जाए कैफे। यहीं पे है आसपास, बस तो गाइस फाइनली प्रिंट आउट हो गया, अब निकलते हैं यहाँ से कॉलेज तरफ। गाड़ी में तो पेट्रोल है, अब आने टाइम भराएंगे, हम यहाँ से डायरेक्ट कॉलेज चलते हैं। और चलो अच्छा, कुछ दिन बाद आ रहे हैं इधर। कितने दिन बाद कॉलेज खुल रहा है, छुट्टी मिला था 22 को और अभी खुल रहा है कॉलेज 3 तारीख को, उसे कल तो छुट्टी था। अब टाइम तो हम लोग कॉलेज नहीं हुआ, मॉर्निंग का तो हुआ था, अब इवनिंग बैच हम लोग है तो कुछ फ़ायदा भी है। तो गाइस देख सकते हैं अब तो गाड़ी धीरे ही धीरे चलेगा, क्योंकि इतना ही ज़्यादा गाड़ी चलता है ना, का ही बोले निकल जा मुझसे, धीरे धीरे सब चलेगा क्योंकि 10 बजे का टाइम है गाइस, सब सबका ऑफिस टाइम रहता है, तो सब अभी रोड आप लोग को जाम ही मिलेगा। ओवरटेक, यस, ये है गाइस लालपुर बाजार, और यहाँ पे काफी भीड़ रहता है। देख सकते हैं भीड़ तो है, भीड़ नहीं है गाइस, सब गाड़ी स्लो चल रहा है जिस कारण भीड़ है, और ट्रिस्को बोलते हैं ट्रैफिक जाम तो मिलेगा ही क्योंकि बाजार है और सबको जाना है। अब यहाँ से कटना है लेफ्ट, जो कि पीस रोड के नाम से जाना जाता है। चलो यार, ये रोड का भी जाम रहता है, तो यहाँ से राइट टर्न कट लेके आप निकलते हैं पेंटालून के तरफ, और तो जिस कारण यहाँ पे जो जाम लगता है ना, आगे थोड़ा जाम लगेगा क्योंकि आगे गली है, रोड ही है बट गली हो गया वो, क्योंकि काफ़ी जाम लगता है क्योंकि अब रोड छोटा हो गया है। अब जाम तो दिख रहा है यहाँ से, थोड़ा जाम तो लगा है, कार घुसा यानी जाम लगना ही है। चलो निकल जाएगा धीरे धीरे।
देख सकते हैं ना रोड का स्थिति, इधर नाली है, कौन डबल गाड़ी तो जा ही नहीं सकता, सिंगल एक अपोजिट कार, टू व्हीलर या फिर फोर। यहाँ पे कहाँ हो गया भाई लोग, ओहो जाम। चलो निकल जाएगा, टर्निंग। वो यहाँ पे यार ट्रैफिक पुलिस नहीं है यार, 11 बजे आएगा क्या? ओ साहब नमस्ते, मैडम जी साइड नहीं दिया हमको, हॉर्न मारे कुछ फायदा नहीं हुआ। चलो अब निकल गया, ये है गाइस। साइड करके गाड़ी रोकते हैं। तो है गाइस वन सेकेंड बैक, और अभी कॉलेज छुट्टी हो गया है, पहले हुआ था छुट्टी, कुछ कुछ सामान लेना था तो अपना कॉपी किताब लेने आए थे, और फिर वापस जा रहे हैं अभी रूम, और काफ़ी शाम हो गया है यार, जल्दी ही शाम हो गया, सोचे थे जल्दी निकलेंगे बट छोटा दिन है तो जल्दी शाम हो जाता है। चलो चलो काफ़ी जाम। तो गाइस इधर राइट साइड देख सकते हैं, यही रूट है जिधर से कांटा टोली वाला सारा ऑटो इधर से आता है, इसलिए इतना जाम लग रहा है। कोई नहीं, हम लोग को सीधा निकलना है, और जल्दी निकल जाए तो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा तो फ्री मिला। अभी बहुत जाम मिलेगा रोड में, एक ही थोड़ी ना, अभी काफ़ी सारा जाम मिलेगा। पहला तो एक जाम है यहाँ पे, ओ क्या रहा है चाचा, जल्दी जल्दी देख सकते हैं काफ़ी ट्रैफिक पुलिस, और निकल रहे हैं तो फाइनली भी निकल गया। फक तो यहीं पे लोग पान छूक देता है यार, पीछे देख लिया करो, छिटक जाएगा तो हरा बिल्ला हो जाएंगे हम, जो कि पहना नहीं कॉलेज ड्रेस यार। गिव सब रेस्पेक्ट एंड टेक सम रेस्पेक्ट, आई मीन उस लाइन का जब छुट्टी होता है ना तो काफ़ी भीड़ जाता है, चलने के लिए जगह नहीं मिलता है यार, फिर भी हम लोग निकल देंगे। वी कैन मेक इट, और आज फिर से पेट्रोल फ्यूल अप नहीं करवाएंगे क्योंकि है तेल, कल बनाएंगे अब गाड़ी में। और गाइस फाइनली पास मिल गया आज, क्योंकि सेकेंड अटेम्प्ट में फर्स्ट बार गए उस टाइम नहीं मिला, फिर दूसरी बार जब क्लास के बाद गए तब पास मिला मुझे, और अब कोई दिक्कत नहीं, पास मिल गया, अब डेली गाड़ी कॉलेज में घुसेगा। मैं तो बाहर रखने का थोड़ा रिस्क ही रहता है, इसलिए कॉलेज में ही रहे अपना, और बचे रहे चोर और चक्कर से।
चलो यार, इतना जाम मुझे नहीं झेलना है। गाड़ी गाड़ी भी है यार, तेल पी जाएगा तो फिर सारा भराना पड़ जाएगा तेल हमको। अब ये घुसेगा तो जाम नहीं लगेगा तो क्या लगेगा। अभी घुसना था ये ट्रक को यहाँ पे। अभी ट्रक चलेगा तब तो हम लोग चलेंगे। इतना जाम में क्या हो गया, ट्रक के कारण हुआ जाम। वाह, ओबे द ट्रैफिक रूल्स, सही है, ट्रैफिक यही तो है, ट्रैफिक रूल्स। यहाँ से लेना है लेफ्ट। चलो चलो चलो, यहाँ से लेना है राइट। चलो कार आ जाओ। चलो अच्छा हुआ कार पहले निकल गया, नहीं तो अभी जाम में फिर फंस जाते हैं। इतना जाम, तो सॉरी गाइस, बैड बैड निकल जाता है मुंह से, वो निकलना ही है, वो तो निकलते ही यार। तो डोंट माइंड, इंग्लिश में अच्छा लगता है, हिंदी में बहुत ही खराब ही लगता है, ऑकवर्ड फील होता है। यार ये पीछे से कौन इतना हॉर्न मार रहा है, जाना तो जा भाई, तुमको कौन रोका है, आ जा आ जा, तो चल जा। सॉरी बट आई एक्सपेक्ट, इतना हॉर्न मार रहा है पीछे से, पता है। अरे भाई सबको जाना है, तुम्हें अकेला थोड़ी, चल जाइए जल्दी से। अच्छा तुमको जाना था, जरूर कहीं लेट हो रहा होगा, तो जाने दीजिए, इमरजेंसी है। हम भी कभी कभी ऐसे चलते हैं ना, जब लेट होता है तो ऐसे ही चलना पड़ता है। ओ ये क्या ले जा रही है यार, एनी पोस्टर या फिर फ्रेम। हिमालय, एक बार सोचे थे कि हिमालय ले, बट अब सोच रहे हैं एक्सपल्स ही ले लें, जो कि भी नया नया एक्सपल्स 200 रैली एडिशन, वो लेने का सोचे हैं। तो हाइट भी काफ़ी अच्छा है, और मेरा हाइट शायद 5 फीट कुछ है, याद नहीं है। और आई मीन कितना दिन से हाइट कैलकुलेटर नहीं करवाए हैं, तो पता नहीं हाइट कितना है, तो शायद वो हाइट मेरे लिए अच्छा होगा वो बाइक के लिए, बट अभी तो फ़िलहाल नहीं ले सकते, और कभी आगे फ्यूचर में ले पाए तो। वो यहाँ फिर से जाम लग गया, उससे पहले हमको निकलना है। तो गाइस, शायद अंकल का मेरा पैंट में टायर सड़ गया, तो शायद गंदा हो गया होगा, और कोई नहीं, किसी का गलती नहीं है, अंकल का भी गलती नहीं, ना ही मेरा गलती हो जाता है गलती से कभी कभी, तो पैंट गंदा हो गया होगा, पता है मुझे। कोई नहीं, घर जाके साफ़ कर लेंगे, बस झाड़ना ही तो है। भाई लोग ऐसा मत आया करो, ओवरटेक मत किया करो यार, हम लोग को भी जाना है। तो आई हेट व्हेन कोई दूसरे लाइन में ऐसे आता है ना, आई हेट दिस। सबको जाना है जल्दी, किसी को रुकना नहीं है, बट आई कैन। अंकल फिर से वो आ गया और पीछे का, तभी से हॉर्न मार रहा है, तभी से हॉर्न मारा। जाओ भाई तुम पीछे हो कैसे गया, वो सोच रहे हैं हमसे आगे निकला था फिर पीछे हो गया।
ओ तेरी, ये क्या था यार? अच्छा यही अंकल वापस? कहाँ लेट हो रहा है अंकल आपको? तो मेरा गाड़ी में उतना ब्रेक पावरफुल नहीं है अभी, जिस कारण मुझे आराम से ही चलना है। और आराम से ही चलो, अब मुझे लेना पड़ेगा, ले 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 ले, लेना पड़ेगा। और ऐसा ना बाबा, हम नॉर्मली ऐसे ठीक है। कहीं पे फंस रहा है क्या? हमको वाइब्रेशन फील हुआ। तो गाइस अभी फ़िलहाल दो वीडियो अपलोड हो चुका है और ये तीसरा ब्लॉग है। और अपलोड होगा ये भी शायद कल या परसों हो सकता है, क्योंकि अभी बहुत काम है यार। अभी घर जाओ, फिर कुछ कुछ घर का काम रहता है तो टाइम नहीं मिलता है। और ऐसे फ़ोन का स्टोरेज काफ़ी फुल हो गया है, जिस कारण एक्सपोर्ट नहीं कर सकते वीडियो को, और एडिट करने के लिए भी स्पेस चाहिए। कोई नहीं, धीरे धीरे सब हो जाएगा, आराम से होगा। एक बैक में नहीं होता है, कीप सम पेशेंस, पेशेंस विल गिव यू अवे। क्या लाइन था, क्या पंच था? हाँ, तो शाम के समय कोकर रोड काफ़ी भीड़ है, वो सबको घर जाना है, हमको भी घर जाना है, बट हमको जल्दी जाना है। इतना भीड़ क्यों यार? क्या बाजार है, अच्छी बाजार है क्या? ओहो कतारी, अभी ठंड का समय है, दिन में खाना चाहिए, शाम में भी कौन खाएगा कतारी का गन्ना? कैसे शुगर केन? भैया कहाँ गए? जो ओवरटेक कर रहे थे, काफ़ी हॉर्न मार रहे, तो भैया कहाँ हैं? तो अंकल टेढ़ा क्यों बैठे हैं? शायद अंकल को प्रॉब्लम है बैठने में। अभी ये क्या बोला है इससे? क्या चचा को भी ऐसा रॉन्ग साइड से नहीं आना चाहिए। किसका गलती का? हमारा गलती कि हम रोड पे गाड़ी चला रहे हैं। ओह गाड़ी में काफ़ी पावर लग रहा है, कोई बात नहीं।